और दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संसार के सबसे बड़े सोलर ट्री के बारे में, जिसको भारत में ही बनाया गया है और भारत में ही इसको इंस्टॉल किया गया है, और इंस्टॉल भी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर किया गया है। एक तरीके से आने वाले समय का एक तरीके से भविष्य दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इंडिया इस सोलर पैनल या सोलर एनर्जी से अपने आप को या रेस्ट ऑफ द जितने भी वर्क हैं उनको चलाने का प्रयास कर रहा है और तेजी से बढ़ते हुए कदमों को इस तरफ मोड़ रहा है। और आने वाले टाइम पीरियड में इसका पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का जो एक तरीके का रास्ता बनाया जा रहा है, वो भी बहुत ज़बरदस्त हो सकता है अगर ये स्कीम्स कामयाब हो जाए। सेम इसी प्रकार से ये टाइम्स ऑफ इंडिया की पिक्चर, यानी कि वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लिया गया है जो कि प्रॉपर ऑथेंटिक होता है। अब इसके अंदर इन्होंने CSIR ने CMERI के साथ मिलकर डेवलप किया है संसार का सबसे बड़ा सोलर ट्री। ये एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के आपकी कई चीज़ों के एग्जाम में इससे संबंधित चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तरीके से ऐसा मॉडल क्रिएट किया गया है जो आगे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में बहुत जबरदस्त तरीके से काम आएगा। याद रखिएगा, ये आपके करंट अफेयर का टॉपिक है और एग्जाम में इससे संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सवाल आ सकता है कि संसार का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां पर बनाया गया है, और आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो इससे संबंधित जानकारी पानी है तो टिल द अंत तक देखते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कीजिए, ताकि घर बैठकर बहुत सारे नोट्स असाइनमेंट्स आप यहां पर डाउनलोड कर सकें और घर बैठकर आराम से तैयारी कर सकें। ये हमारी ऐप जो है, ये भी IAS विद हरि मोहन के नाम से मिलेगा। यदि आप इस टॉपिक का PDF लेना चाहते हैं या फिर हमारी क्विज को देखना चाहते हैं, करंट अफेयर की क्विज चलती है दोस्तों डेली 120 क्वेश्चंस की, PT प्लस मेन से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे और इसके अलावा जितने भी आपके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस हैं इसमें पूछे जाएंगे, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस जो हमारी टेलीग्राम चैनल है IAS विद हरि मोहन, आप डालेंगे इस सिंबल के साथ आपको दिख जाएगा, इसे डाउनलोड कीजिए ताकि आप क्विज को पार्टिसिपेट कर सकें। हाथों हाथ इन 8 सेकंड आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा और एंड में रिजल्ट भी पेस्ट होगा, तो आपको आपकी परफॉर्मेंस का भी पता चलता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहले CMERI दुर्गापुरी की जानकारी पाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे शॉर्ट फॉर्म में CMERI दुर्गापुर या फिर आपका वही CSIR CMERI दुर्गापुर भी कहते हैं। एक इंजीनियरिंग, पब्लिक इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूशन है ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर है, भारत के अंदर अकेला एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है जो इस तरीके के काम करता है। यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट के बहुत ज़बरदस्त काम होते हैं। कंस्टिट्यूट एक लेबोरेटरी बनाई गई है जो पूरे पैन इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पर चलती है। इसको 1958 में बनाया गया था ताकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी को और बूस्ट किया जा सके और इंडियन इंडस्ट्री को इससे सपोर्ट मिल सके, मदद मिल सके। इसके अंदर अगर बात करें तो करंटली रिसर्च और डेवलपमेंट के बहुत सारे काम होते हैं जो कि इंडिया को और ज़्यादा मॉडर्न बनाने का प्रयास करेंगे, जिसके अंदर रोबोटिक के बाद मैक हैक्ट्रॉनिक, माइक्रोसिस्टम, साइबरनेटिक्स के बाद मैन्युफैक्चरिंग, इसके बाद में प्रसिशियन एग्रीकल्चर, एम्बेडेड सिस्टम, नियर नेट शेप और बायोमेट्रिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं यदि, तो आने वाले टाइम पीरियड में ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है और इन सभी चीज़ों के आधार पर देश में बहुत सारी नई चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं। इनका एक ही एक तरीके से एजेंडा रहता है रिसर्च और डेवलपमेंट का, कि रिसर्च भी हो, डेवलपमेंट भी हो, देश को सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा सकें, ताकि पॉवर्टी एलिवेशन हो, समाज का उत्थान हो, एनर्जी और सिक्योरिटी मिले, फूड सिक्योरिटी मिले, एरोस्पेस, माइनिंग और डिफेंस के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़े। आपको पता होना चाहिए कि DRDO के कंट्रोल में अब जो है
भारत में ही वेपन्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। ये भी आत्मनिर्भरता की तरफ पहला कदम है। सोलर इंडस्ट्री को बूस्ट किया जा रहा है। सोलर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के अलावा और भी बहुत सारे मैप के इंजीनियरिंग लेवल के बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। अब इसी सपोर्ट के माध्यम से जैसे कि दिखाई दे रहा है कि सोलर एनर्जी आगे भविष्य है, क्योंकि पेट्रोलियम का हमें सब्स्टिट्यूट चाहिए था काफी लंबे अरसे से, और पेट्रोलियम से होने वाले पॉल्यूशन से इंडिया के अंदर होने वाली डेथ्स का नंबर जो था, टोल जो था, वो हर साल बढ़ता जा रहा है। तो इन डेथ के टोल्स को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही थी सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए। तो अब आपके CMERI यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर संसार का सबसे बड़ा, याद रखिए प्लांट की बात नहीं हो रही है, सोलर ट्री बनाया गया है। इसे बनाने के लिए ऑपरेटिंग की सपोर्ट मिली है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इस सेक्शन के अंदर ये जो ट्री है ये हर साल 12,000 से 14,000 क्लीन और ग्रीन पावर की एनर्जी को जनरेट करेगा। इसके अंदर बात अगर की जाए तो इसे रेजिडेंशियल कॉलोनी दुर्गापुर के अंदर वेस्ट बंगाल में इंस्टॉल किया गया है। इस ट्री की हर एक तरीके से हर ट्री पर 35 फोटोवोल्टेनिक प्लांट पैनल्स लगे हुए हैं जो एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, और कंज्यूम करने के बाद में 330 वॉट पावर का एनर्जी जनरेट करेंगे, कैपेसिटी को प्राप्त करेंगे। इसकी बात की जाए तो ये एडजस्टेबल पैनल्स होंगे जिसे अकॉर्डिंगली आप अपनी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं जिस मर्जी मोड के अंदर। ये एक फीचर है जो नॉट अवेलेबल था रूफ माउंटेड सोलर पैनल्स के अंदर, जो कि अब आगे एडिशनल में जोड़ा गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि भारत में आज तक जितने भी काम होते आ रहे थे उन सभी की सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिलती थी कि हर चीज की कॉस्टिंग जरूरत से ज्यादा पड़ती थी, लेकिन इस सोलर ट्री की कॉस्टिंग पड़ रही है 7.5 लाख रुपए। आने वाले टाइम पीरियड के अंदर जो मीडियम स्मॉल माइक्रो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं यानी कि MSME के जो भी सेक्शन है वो इसमें जुड़ सकते हैं और नई चीजें इसमें बना सकते हैं। ये जो सेक्शन है ये कुसुम योजना के अंदर बनाया गया है। अब ये कुसुम योजना जो है ये प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा योजना के अंतर्गत चलाया गया है। इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी बेस के ग्रिड्स बनाए गए हैं। इस एप्लीकेशन की यदि बात करते हैं तो हर साल 10,000 से 11,000 टन का कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसे कम किया जाएगा, एक तरीके से उसे वाइंड अप कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हर सेक्शन के अंदर इस तरीके से अगर हमारे पास सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाएगा तो कुछ ही टाइम पीरियड में हम बहुत जल्दी पॉल्यूशन जैसी महामारी, एक तरीके से आफत से निजात पाएंगे। इसके अंदर पावर है विंड स्पीड को मापने की, रियल टाइम ह्यूमिडिटी को मैनेज करने की, चेक करने की, रेनफॉल से रिलेटेड प्रेडिक्शन करने की, और सॉयल एनालिटिक्स सेंसर्स की भी इसके अंदर कैपेबिलिटी है। सॉयल एनालिटिक्स सेंसर्स की इसके अंदर कैपेबिलिटी है जो बहुत तेजी से आपको सारी चीजों की जानकारी प्रोवाइड करेगी। अब अगर बात करें इसमें ये ई सुविधा कियोस्क क्या है, अब इस सुविधा कियोस्क की बात करें तो इनमें CSIR, CMERI ने सोलर एनर्जी के साथ, सोलर ट्रीज के साथ, बेसिकली अलोंग विद द सोलर ट्री एक डेवलप किया, एक ऐसा सेक्शन जो कनेक्ट होगा सोलर ट्रीज के साथ ताकि रियल टाइम एक्सेस मिल सके एग्रीकल्चरल डेटा बेस को लेकर कि एग्रीकल्चर से रिलेट क्या क्या समस्याएं चल रही, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, मौसम के आधार पर एग्रीकल्चरल मार्केट की भी इधर जानकारी मिल सकती है। ये इंस्टेंट एक्सेस देगा यूनिफाइड ऑनलाइन मार्केट की, यूनिफाइड ऑनलाइन मार्केट से किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर इसको और प्रॉपर तरीके से फैलाया जाए तो। तो सोलर ट्री एक तरीके से बहुत जबरदस्त बेनिफिट देने वाला है इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे देश को, गवर्नमेंट बाद में पहले देश सर्वप्रथम होता है। तो हार्नेसिंग सोलर एनर्जी या एग्रीकल्चरल की अब बात करते हैं, तो सबसे पहले कुसुम की बात करते हैं। तो कुसुम हमने बताया कि न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है कुसुम। अब प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान है इसका पूरा नाम, एक ऐसा तरीका जो सोलर एनर्जी को बूस्ट करना चाहता है और सोलर एनर्जी को प्रॉपरली लगाना चाहता है। ये रिप्लेस करेगा डीजल पंप को
किससे? सोलर पंप से। सोलर पंप जितने ज्यादा लगेंगे किसान को उतना ज्यादा फायदा होगा, परचेज करने में सस्ता मिलेगा, सरकार से जो बिजली प्राप्त हो रही है उन सभी में काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। तो काफी ज्यादा जब सपोर्ट मिलेगी तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पीरियड में इनसे काफी ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। जब बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक तरीके से पॉजिटिव साइन बनेगा। अब अगर बात करते हैं हाउ इज सोलर ट्री हाईली पोटेंशियल सॉल्यूशन, सोलर ट्री कैसे हाईली पोटेंशियल सॉल्यूशन बन सकता है। अब सोलर एनर्जी क्लीन एनर्जी है, रेन्यूएबल है, रीन्यू किया जा सकता है, ऑटोमेटिकली जनरेट होगी भारत के अंदर, अवेलेबिलिटी हो सकती है, लैंड पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है सोलर पैनल और लार्ज स्केल पर अलग अलग जगहों पर यूज किए जा सकते हैं। अभी बेसिक जो है प्रॉब्लम इससे रिलेटेड कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है और नियर फ्यूचर में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सोलर, आपका सोलर का जो सबसे बड़ा प्लांट बना है, लार्जेस्ट ट्री इंडिया के अंदर। यहां तक के लिए इसी नोट पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।